कोरोना महामारी और लॉकडाउन के चलते हुए रक्त की कमी आ रही है, जिसमें रक्तदान शिविर लगाया गया। जननी ब्लड बैंक की तरफ से रक्तदान शिविर आयोजित किया। यासिफ सोनी ने जानकारी देते हुए बताया कि 100 यूनिट की मुहिम रखी गई है और अभी तक 70 यूनिट हो चुके हैं, और साथ ही साथ पुलिसकर्मी योद्धाओं का भी सम्मान रखा गया है। जन जन तक अपनी खबर पहुंचाने वाले पत्रकारों का भी सम्मान रखा गया है। कोरोना की महामारी चलते हुए रक्तदान की रक्त की कमी आ रही है, जिसमें हमने रक्तदान का शिविर रखा गया है, जिसमें रक्तदान का नाम रखा गया है जननी ब्लड बैंक, जिससे इस रक्तदान, ये केवल जननी के लिए है जहाँ पर प्रेग्नेंट वूमेन आती है, जिससे एक रक्तदान से दो जान बचेगी, इसमें एक जननी की और एक आने वाले बच्चे की। और करीबन हमारी 100 यूनिट की मुहिम है, अभी तक 70 यूनिट हो चुकी है पूरी, और साथ ही साथ पुलिसकर्मी योद्धाओं का सम्मान रखा गया, और साथ ही साथ जो कोरोना की महामारी चलते हुए जन जन तक खबर पहुंचा रहे पत्रकारों का, उनका सम्मान का प्रोग्राम रखा गया है। मैं आशीष सोनी, कुड़ान मासूमों के नाम संस्था के संस्थापक। ये कोरोना महामारी के चलते जैसे जनाना हॉस्पिटल है अजमेर में, वहाँ से आए दिन समस्या सुनने में आती है, ब्लड की कमी के कारण महिला, गर्भवती महिला की जान चली जाती है, एक जान से मासूम बच्चों की भी जानें चली जाती है। तो इस महामारी को देखते हुए हमने एक उड़ान मासूमों के नाम संस्था के द्वारा ये रक्तदान का प्रोग्राम रखा है, जिसके चलते हमने 100 यूनिट तक का लक्ष्य रखा है, जो लगभग पूरा होने वाला है। 70 यूनिट रक्तदान हो चुका है। मेरा नाम विजय सिंह रावत, हाथीगढ़ा फैसला।